दोस्तों बच्चे अब तक ऐसे कई कांड कर चुके हैं जिसमें उन्होंने माँ बाप के फोन को यूज किया और उसके बाद में उनका महंगा बिल बिठा दिया। और ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं कि जो 15-20 साल के हो रखे हैं, ये उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी 1-2 साल के ही हैं। बस उनके हाथ में खिलौने की तरह फ़ोन दे दिया कि थोड़ा बहुत खेल लेगा ये, लेकिन वो खेलने के चक्कर में कुछ ऐसे बटन दबा बैठते हैं कि ऑर्डर हो जाते हैं बड़े बड़े। दरअसल न्यू जर्सी के अंदर एक महिला रहती है जिनका नाम है मधु कुमार और वो रिसेंटली ही यहाँ पर शिफ्ट हुई थी और उनका 1-2 साल से भी कम उम्र का बच्चा है जिसके हाथ में उन्होंने अपना मोबाइल दे दिया उसको खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसने 1.5 लाख रुपए यानी कि वहीं की करेंसी के अंदर बात करें तो $2,000 की वर्थ का फर्नीचर ऑर्डर कर डाला वॉलमार्ट से और महिला को मालूम भी नहीं चला। और बाद में उनके घर पे कई सारे पैकेज आने लग जाते हैं फर्नीचर के और वो भी हैरान हो जाती है कि ये आ क्यों रहे हैं, ये ऑर्डर तो मैंने किया नहीं था तो ये आ कैसे रहे हैं। तो बाद में उनको मालूम चलता है कि उनका जो बच्चा था अंश कुमार वो ये सारे कांड कर चुका था, उसने बटन दबा दिए थे। दरअसल वॉलमार्ट के ही वेबसाइट को ये एक्सेस कर रही थी महिला और इसने कई सारे फर्नीचर वगैरह देख रखे थे कि मैं ये वाला बाय करूँगी। तो खैर फर्नीचर जब देखते हैं तो उसी तरीके के रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं उसी से रिलेटेड। तो इस बच्चे ने वो सारे ही बटन दबा दुबू के किसी तरीके से वो ऐड कर डाले कार्ट में और उसके बाद में कार्ट से फाइनलाइज कर दिया होगा जो चेकआउट का ऑप्शन होता है, उसके बाद में वो सारे ऑर्डर कन्फर्म होकर इनके घर पर आने शुरू हो गए हैं। और अच्छा ये हुआ कि वॉलमार्ट ने फिर ये ऑर्डर रिटर्न लेने के लिए कह दिया कि आपके पास मेरे सारे ऑर्डर जब आ जाएंगे आप रिटर्न कर देना, हम रिटर्न ले लेंगे। दोस्तों आईफोन चलाने वालों की एक बार को जान हलक में आ रही है जैसे ही उनकी स्क्रीन पिंक हो जाती है। दरअसल ये आईफोन 13 वालों के साथ में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया और वो फिर सोचते हैं कि अब क्या होगा तो वो रीस्टार्ट करते हैं इसको और वो ऐसे फिक्स हो जाता है जैसे कि अभी कुछ उसके अंदर हुआ ही नहीं था। तो लोगों को लग रहा है हार्डवेयर प्रॉब्लम है लेकिन एप्पल ने इसको रिकग्नाइज कर लिया है। एप्पल ने कहा है ये हार्डवेयर रिलेटेड इशू नहीं है, ये दरअसल सॉफ्टवेयर बग है, तो आप अपने iOS को 15.3 पे अपडेट कर लो फटाफट सब सही हो जाएगा। ये दरअसल सिस्टम जब लॉक हो जाता है तभी हो रहा है, लोगों की स्क्रीनें पिंक हो रही हैं और ये सबके साथ नहीं हो रहा है, किसी किसी के साथ में इशू हो रहा है जो अप टू डेट नहीं रहते हैं। दोस्तों हाल ही में आपको मालूम चला होगा कि 5G से रिलेटेड कई सारे इशू सामने आ रहे हैं US के अंदर। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि भैया इससे एयरक्राफ्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, एयर कंट्रोलर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल की जा चुकी हैं। खैर वहाँ की बात अलग है, उसको एक सेपरेट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आखिर पंगा क्या हो रहा है वहाँ पर। लेकिन इंडिया के अंदर एक बात कह दी है ट्राई के चेयरमैन ने कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम पास किया गया है 5G का वो इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का नहीं है जिससे कि इंडिया के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी 5G को लेके, तो यहाँ पर 5G एकदम सेफ है, इतनी ज़्यादा कोई हाई फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई है। और US के अंदर जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी दी गई है उसको लेकर इशू बने हुए हैं, लेकिन इशू सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर कंबाइन होने के बाद में एक बड़ा बवाल बना रही है एयरलाइंस के लिए। दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन उनको काफ़ी ज़्यादा अमीर बना सकता है और यही चीज़ एल सल्वाडोर नाम की कंट्री का भी मानना है जिसकी वजह से वहाँ पर इसको लीगल कर दिया गया एज ए करेंसी के रूप में। और इसी के साथ साथ वहाँ पर बिटकॉइन सिटी भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं जहाँ पर माइनिंग वगैरह होगी। लेकिन इस क्रैश के अंदर उन्होंने करीबन 410 बिटकॉइन बाय किए हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल गए हैं और हाई पर शायद वो बेच देंगे या फिर रखेंगे और इसी तरीके से जमा करते रहेंगे ताकि उनकी कंट्री की जो वर्थ है वो बढ़ती रहे, उनके पास मतलब पैसा बनता रहे क्योंकि बिटकॉइन इन द एंड बेचोगे तो पैसा ही मिलना है, सो उस वजह से। दोस्तों वैसे तो ओमिक्रॉन सारी दुनिया के अंदर अपने पांव पसार चुका है लेकिन डेनमार्क के अंदर एक नया वेरिएंट भी आ चुका है जिसको स्टेल्थ ओमिक्रॉन कह रहे हैं। दरअसल ओमिक्रॉन के भी कुछ सब स्ट्रेन हैं जैसे कि BA1 हो गया, BA2 हो गया, BA3 हो गया। अब BA1 BA3 तो डिटेक्ट हो रहे हैं PCR टेस्ट के अंदर लेकिन BA2 कुछ इस तरीके से म्यूटेट कर चुका है कि वो PCR टेस्ट के अंदर भी नहीं डिटेक्ट किया जा पा रहा है जिसकी वजह से इसको कहा जा रहा है स्टेल्थ ओमिक्रॉन, ये एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही। दोस्तों दुनिया के कई सारे होटल्स के अंदर आजकल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया जाता है जिसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद चार्जिंग स्टेशन पर चला जाता है और खुद ब खुद सफाई के लिए डेली पहुंच जाता है। लेकिन UK के अंदर एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर पागल हो गया और वो सारा दिन ही चलता रहा, कहीं
रुका ही नहीं कि कहीं उसे चार्जिंग वार्जिंग पर भी जाना है, जिसके बाद में वो अगले दिन जाकर मिला किसी ऐसी जगह पर जहां पर स्टाफ की नज़र पहुंची नहीं थी। पूरे दिन उसकी खोज हुई थी लेकिन अगले दिन वो जाकर मिला था, और ये कांड हुआ था ट्रैवल लॉज होटल के अंदर यूके में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।